में भारत और बांग्लादेश के बीच दुर्ग जिले के शिवपुरी में 2 दिवसीय थ्रो बॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। कल से शुरू हुई दोनों देशों के बीच इस स्पर्धा में महिला और पुरुष वर्ग की सीनियर टीमों के बीच 3-3 मुकाबले खेले जाएंगे। स्पर्धा के पहले दिन कल पुरुष वर्ग के पहले मैच में भारत ने बांग्लादेश को 5 सेटों में 3-2 से हराया। मुकाबले के दौरान बांग्लादेश के खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों को बराबर टक्कर देते रहे। भारतीय थ्रोबॉल संघ के अध्यक्ष रमन्ना ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में थ्रोबॉल को लोकप्रिय बनाने के लिए ये आयोजन शिवपुरी में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा देने की दिशा में संघ लगातार प्रयास कर रहा है ताकि भारतीय टीम का प्रदर्शन और बेहतर हो सके। उसके लिए रूरल साइड में ज़्यादा एंकरेजमेंट देने का इधर। उधर छत्तीसगढ़ थ्रोबॉल एसोसिएशन के महासचिव रमन साहनी ने बताया कि थ्रोबॉल को लोकप्रिय बनाने के लिए संघ लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में स्पर्धाएं आयोजित कर रहा है। इसी कड़ी में शिवपुरी में चैंपियनशिप का आयोजन भी किया गया है। थ्रोबॉल के विस्तार के लिए, थ्रोबॉल को घर घर तक पहुंचाने के लिए, हर एक स्कूल में पहुंचाने के लिए, बच्चे बच्चे तक पहुंचाने के लिए हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं। उसी के तारतम्य में हम लोग अलग अलग मैच करवाते हैं। अभी 10 दिन पहले ही मैंने परपोड़ी में नेशनल मैच करवाया और वहाँ भी बहुत समर्थन मिला। आप देखिए कितनी भीड़ है, जबकि ज़्यादा प्रचार हम समय कर नहीं पाए थे, फिर भी देखिए कितना उत्साह है। गौरतलब है कि स्पर्धा के बाकी मुकाबले आज शाम खेले जा रहे हैं।